हेलो बॉयज, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ के अगर हमें फेसबुक मार्केट प्लेस पर ऑर्डर आ जाता है तो हमने उसको फुलफिल कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर उनको देखें। मैंने पाकिस्तान से बैठकर या आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हुए फेसबुक मार्केट प्लेस पर कैसे काम कर सकते हैं USA के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विद इन्वेस्टमेंट, मैंने उनके ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं, डिटेल वीडियोस डाली हुई हैं। पिछली वीडियोस में हमने देख लिया कि जी हमने फेसबुक के लिए वायबल प्रोडक्ट्स कैसे हंट करने, पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक USA का अकाउंट कैसे बनाना है, पाकिस्तान में रहते हुए USA का नंबर कैसे परचेज करना है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कैसे हंट करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनका आंसर किए। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर दें, ठीक है? थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं VPS ओपन कर लेता हूँ। ये आ गई फेसबुक पे मार्केट प्लेस पर चले जाता हूँ। ओके, सेलिंग पे जाने के बाद आपको जो लिस्टिंग्स की हुई हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं। हमने पिछले अपने टॉपिक्स पे देख लिया था, जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपके यहाँ पर शो हो जाते हैं, प्लस यहाँ पर भी आपको हल्का सा आइकन आ रहा होता है, ठीक है? तो आज अभी मुझे चार ऑर्डर्स आए हुए हैं, इनमें से मैं एक आपको फुलफ़िल करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे फुलफ़िल करना है। लेट से मुझे ये लिस्टिंग है, इसका ऑर्डर आया है। मैंने पिछले लिस्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि लिस्टिंग को कैसे आपने अपलोड करना है फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, ठीक है, वॉलमार्ट से सोर्स करके। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो SKU है वो आपने वॉलमार्ट से उठाकर फेसबुक पे इंटर कर देना है, ताकि जब आपको ऑर्डर आए आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी हो। इसका क्या मतलब है, आए जाके देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ऑर्डर आया जी KTF Smith का। ये नीचे मुझे एड्रेस दिया हुआ है और $12 मुझे पे किए, मुझे जो फेसबुक की फ़ीस है वो काटने के बाद $11.35 रिसीव हो जाएंगे। ओके, अच्छा इसको देख लेते हैं वॉलमार्ट पे कितने का है और उसको हमने फुलफ़िल कैसे करना है। ओके, ये वाला जो नंबर है इसको कॉपी कर लेते हैं। वॉलमार्ट पे मैं जाता हूँ। वॉलमार्ट पे जाने के बाद ये जो सा नंबर था इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड आइटम नंबर, ठीक है? ओके, जैसे मैंने नंबर पेस्ट किया मेरे सामने वही प्रोडक्ट जो है वो सामने आ गई। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि ये कितने डॉलर्स की है। भाई जान, ये सिर्फ $3.29 की है। मुझे कितने का ऑर्डर आया था, मुझे $12 का ऑर्डर आया था। मेरे पास वॉलमार्ट की मेंबरशिप है तो मैं इसको फ्री शिपिंग के साथ इसको उस बायर तक पहुंचा दूंगा। बाकी जो सारा जो भी अमाउंट है वो मेरा प्रॉफिट इंक्लूड होगा। वॉलमार्ट की मेंबरशिप कैसे लेनी है, सिंपल है, आप साइन इन करेंगे, उसके बाद आपको वॉलमार्ट प्लस का आपको वो बताएगा कि मेंबरशिप ले लें। एक ट्रिक है, आप उससे फ्री में वॉलमार्ट की मेंबरशिप ले सकते हैं। वो मैं ट्रिक आपको ट्रिक जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है? तो इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। कार्ड ओपन करते हैं। ओके, यहां पर आपने जस्ट यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके बायर का एड्रेस है जो आपको फेसबुक मार्केट प्लेस ने बायर ने दिया है KTF Smith, उसकी डिटेल्स हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहां पर मैं इसका एड्रेस पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, यही है जी, 58 माउंट कैरमेल नरियो न्यूयॉर्क 53039 1309। अच्छा, फ्लोरिडा का ये, सॉरी। ओके, ठीक है, अपार्टमेंट 1309। ओके, ये करने के बाद आप यहां पर फोन नंबर दे दें। बायर ने आपको वैसे फोन नंबर आई थिंक नहीं दिया हुआ, तो आपने बायर का फोन नंबर यहाँ पे नहीं देना, अपना फोन नंबर दे दें। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि फोन नंबर कैसे बाय करते हैं, आप अपना फोन नंबर दे दें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती जाएं। लेट्स से मैं अपना फोन नंबर देता हूँ।
ये करने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे और कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे। कंटिन्यू टू चेकआउट करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट डिटेल्स लगानी है। अगर आप कोई डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का डेबिट कार्ड हो या ट्रांसफरवाइज का हो या पेयोनियर का हो, आप उससे भी इस ऑर्डर को बाय करके बायर तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप पेपॉल यूज़ करें, आप पेपॉल के थ्रू भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपको वॉलमार्ट जो है वो एक ट्रैकिंग आईडी देगा। ट्रैकिंग आईडी क्या होती है? जब भी हम पाकिस्तान में बैठकर कोई भी अपना पार्सल TCS के थ्रू बेचते हैं या लेपर्ड के थ्रू या फेडेक्स के थ्रू बेचते हैं, तो वो आपको एक आईडी देते हैं। वो आईडी एक नंबर होता है जिससे आपको ये पता चल जाता है, हाँ भाई, इसने मेरा जो प्रोडक्ट है वो शिप कर दिए, अभी फलानी जगह पहुंचा है, मुझे इस दिन तक रिसीव हो जाएगा। वो बेसिकली आपकी जो शिपमेंट होती है उसकी सारी डिटेल आपको बता रहा होता है। ठीक है, तो ट्रैकिंग आईडी एक नंबर होता है बेसिकली। अच्छा, आप चाहे वॉलमार्ट से शिप करें, चाहे ईबे से करें, चाहे अमेज़ॉन से करें, ये तीनों सप्लायर आपको बहुत सारी कॉरियर्स का ट्रैकिंग आईडी दे सकते हैं। बहुत सारे कॉरियर्स की ट्रैकिंग आईडी से मुराद मेरी क्या है, क्या पता वो फेडेक्स से शिप करें, क्या पता अमेज़ॉन उसको TBA ट्रैकिंग नंबर दे, यानी उसको अपने कॉरियर से शिप करें, क्या पता वो किसी और UPS से शिप हो रहा हो। लेकिन आपको फेसबुक सिर्फ ये तीन ही ट्रैकिंग कॉरियर्स यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। हाँ जी, फंस गए ना भाई। आपको अगर अमेज़ॉन ने हैं वो अपनी कॉरियर यूज़ कर लिए और आपको जो ट्रैकिंग नंबर दिया है वो अमेज़ॉन का TBA ट्रैकिंग नंबर है। TBA ट्रैकिंग नंबर वो होता है जो आप अमेज़ॉन अपने खुद की कॉरियर यूज़ करके बेचता है। तो आपको फेसबुक तो यहाँ पर ऑप्शन दे ही नहीं रहा TBA का, अब आप क्या करेंगे? अब तो आप वो ट्रैकिंग नंबर नहीं डाल सकते, अगर डालेंगे तो वो आपके पेमेंट को होल्ड कर लेगा क्योंकि वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। अब हमने सिंपली ये करना है, हमने एक वेबसाइट है ट्रैक टेको के नाम से, ठीक है, मैं आपको गूगल पे खोल के दिखा देता हूँ। ट्रैक टेको, इस वेबसाइट पे क्लिक करें। इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर सिंपली अपनी जीमेल डालना है और पासवर्ड वगैरह डाल के साइनअप करना है, बहुत सिंपल है। ये करने के बाद यह आपको ट्रैकिंग नंबर्स देता है, फेक ट्रैकिंग नंबर्स, ठीक है, फेक नहीं होते, होते वो ओरिजिनल ही हैं लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट के नहीं होते। इसके थ्रू हम फेसबुक पे जो बायर हैं उसको एक डुप्लीकेट ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, उसको एक अल्टरनेटिव ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं ताकि फेसबुक जो है उसको रीड कर पाए। तो ये बेसिकली आपको देते हैं $25 के 100 क्रेडिट देते हैं, यानी 100 ट्रैकिंग नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, $45 में 200 यूज़ कर सकते हैं, $106 में 500 यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बायर के उसमें इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा। लेट से मुझे जो वॉलमार्ट ने ट्रैकिंग नंबर दिया है वो फेडेक्स का नहीं है, वो UPS का नहीं है, वो USPS का नहीं है, जो कि फेसबुक अलाउ कर रहा है, ठीक है, उन तीनों में से किसी का नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इस बायर की डिटेल पे एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट करूँगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बायर जो है जैक्सन विले का है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जैक्सन विले लिख देता हूँ। इसकी जो स्टेट है वो है जी फ्लोरिडा, FL लिख दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि भैया आपको जो ट्रैकिंग नंबर चाहिए वो कौन सी डेट रेंज के दरमियान में चाहिए। जब आप वॉलमार्ट या अमेज़ॉन या ईबे पे ऑर्डर को प्लेस कर देंगे, वो आपको एस्टिमेटेड डे ऑफ डिलीवरी बता देते हैं, यानी वो आपको उस दिन के बारे में बता देते हैं कि भाईजान इस दिन मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑर्डर मिल जाएगा। लेट से मैंने वॉलमार्ट पे उसको ऑर्डर प्लेस किया, वॉलमार्ट कह रहा है भैया आज के 16 हैं, वॉलमार्ट कह रहा है 20 तारीख को वो पैकेज आपके डोर स्टेप पे पहुंचा होगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर उसे कहूंगा कि भाई मुझे 20 की दे दो, मुझे 20 अगस्त की ट्रैकिंग आईडी दे दो और शिपमेंट इन ट्रांजिट ही रहने दूंगा। ट्रैकिंग नंबर फेडेक्स UPS दोनों फेसबुक एक्सेप्ट करता है, मैं दोनों के साथ जाऊंगा। अर्लीस्ट को मैं रहने दूंगा, यहाँ से गेट ट्रैकिंग नंबर कर लेता हूँ। वो भी बता रहे कि भाई 17 ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल हैं। ओके, मैंने गेट ट्रैकिंग नंबर किया, ये देखें मेरे पास जैक्सन विले फ्लोरिडा का ट्रैकिंग आईडी आ गई है। मैं यहाँ से कॉपी करके फेसबुक पे जाऊँगा, मार के शिप करूँगा, शिपिंग कैरियर को USPS रख के यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी अपलोड कर दूंगा। सॉरी, USPS नहीं रखूँगा मैं, ये फेडेक्स का है, फेडेक्स, मैं यहाँ पर फेडेक्स करूँगा, फेडेक्स करके यही ट्रैकिंग आईडी यहाँ अपलोड करूँगा
करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव करूंगा तो फेसबुक कहेगा ओके जी आपका जो पैकेज है वो शिप हो गया है। बायर के पास भी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, हाँ जी भाई मेरा पैकेज शिप हो गया, ये ट्रैकिंग आईडी है। तो इस तरह से आप फेसबुक पे ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं विया वॉलमार्ट। ठीक है, तो मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी उसका ऑर्डर शिप नहीं किया। जब मैं शिप कर दूंगा मैं इंशाल्लाह इसी तरीके को फॉलो करते हुए उसके ऑर्डर को शिप कर दूंगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। आज हमने देखा कि अगर हमें ऑर्डर आ जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस पर, हमने उसको वॉलमार्ट से जाकर कैसे परचेज करने, परचेज करने के बाद अगर हमारे पास जो ट्रैकिंग नंबर है वो फेडेक्स का या यूपीएस का या यूएसपीएस का नहीं आता, तो हमने ट्रैक टैको पे जाकर ट्रैकिंग नंबर को जनरेट करना है। जनरेट करने के बाद उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पर आकर प्लेस कर देना है। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ जो रह गई थी, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ है कि जी शिप बाय वेडनेसडे अगस्त 17। ये आपको बेसिकली बता रहा है कि भाई आपके पास जो लास्ट डेट है इस ऑर्डर को शिप करने की वो ये है। अगर आपको कोई बायर ऑर्डर प्लेस करता है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, लेट से आपको बायर ने आज ऑर्डर प्लेस किया 16 अगस्त को, फेसबुक कहता है भाई 3 दिन के अंदर इसको शिप करो, तो आपने विद इन 3 डे उस ऑर्डर को शिप कर देना होता है, प्लेस कर देना होता है, ट्रैकिंग नंबर अपलोड करनी होती है। अगर नहीं करेंगे वो ऑर्डर डिले हो जाएगा और फिर आपको मसलों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो भैया यही थी आज की वीडियो। किसी का कोई क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, बेहतर है कि वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पर जाकर मुझसे वो सारी क्वेश्चन आंसर्स कर लें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और भाई मैं जानता हूँ आपकी बहुत सारे क्यूरीज हैं, आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो पहले किसी ने नहीं करवाया। तो यस बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं काफ़ी हद तक इस पर काम कर चुका हूँ और कुछ काम ऐसे हैं जो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जैसे ही वो काम कंप्लीट होते हैं मैं इंशाल्लाह हर चीज़ की डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।